एयरपोर्ट में लैंड करने वाला था, तभी अचानक ये प्लेन किसी पत्थर के टुकड़े की तरह नीचे गिरने लगा और महज 17 सेकंड्स में इस प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। एटीसी को भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। प्लेन का दोनों इंजन रनिंग कंडीशन में था, फिर भी ये प्लेन क्रैश हो गया। आखिर क्या हुआ था उस रोज पटना के जयप्रकाश एयरपोर्ट में, जानेंगे पूरी कहानी बारीकी से इस केस स्टडी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, 17 जुलाई सन 2000। बोइंग 737 मॉडल का एक प्लेन अलायंस एयर फ्लाइट 7412 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। इस प्लेन को पटना के लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट में लैंड करना था। इसके बाद लखनऊ से होते हुए इसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में लैंड करना था। सुबह के 6:05 52 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ ये प्लेन कोलकाता से उड़ान भरा। मौसम बिल्कुल साफ था। करीब 7:20 में ये प्लेन पटना एयरपोर्ट के एरिया में दाखिल हो गया। इस वक्त प्लेन का एल्टीट्यूड लगभग 7,500 फीट था। रनवे पर कोई भी ट्रैफिक नहीं था, इसीलिए एटीसी ने अलायंस एयर को डिसेंट करने के लिए कहा। साथ ही साथ उन्हें रनवे 25 पर लैंडिंग करने की इजाजत भी मिल गया। 7:26 में ये प्लेन करीब 4,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया और रनवे 25 पर लैंडिंग करने को तैयार हो गया। करीब 5 मिनट बाद ये प्लेन एयरपोर्ट के बेहद नजदीक आ चुका था। प्लेन एयरपोर्ट के सेंटर लाइन से एकदम सटीक तरीके से अलाइन हो गया। लेकिन फिर अचानक कैप्टन ने एटीसी से कहा कि हम 360 डिग्री टर्न लेना चाहते हैं। एटीसी ने इसकी इजाजत दे दिया। पायलट ने गो अराउंड का डिसीजन लेते हुए अचानक से प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ दिया, लेकिन प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़ने के बजाय ये तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट्स लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से इस प्लेन को कंट्रोल में ले आए, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन एयरपोर्ट के नजदीक गर्दनी बाग में क्रैश हो गया। प्लेन इतनी तेजी से टकराया कि इसके 4 टुकड़े हो गए। ऐसे में प्लेन में बैठे यात्रियों के साथ क्या हुआ होगा, ये सोच के ही डर लगता है। प्लेन के टकराने की एक तेज आवाज सुनाई दिया। एटीसी ने तुरंत ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अब तक प्लेन में आग नहीं लगी थी। प्लेन के टैंक में करीब 5.5 टन फ्यूल अब भी मौजूद था और प्लेन के कई टुकड़े हो जाने के बाद ये फ्यूल पूरे एरिया में फैलने लगी। फाइनली जिसका डर था वही हुआ। अचानक एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और देखते ही देखते प्लेन का पूरा मलबा किसी चिता के समान जलने लगा। उस चिता के अंदर अब भी सारे लोग जिंदा लेकिन घायल थे। ये प्लेन क्रैश एयरपोर्ट से करीब 5-6 किलोमीटर दूर हुआ था, इसलिए आग बुझाने वाले गाड़ी को ही घटना स्थल पर पहुंचने में 5-6 मिनट का वक्त लग गया। 5-6 मिनट, ये वक्त सुनने में भले ही कम लगता हो, पर उन पैसेंजर्स के लिए हर एक पल, हर एक सेकंड, एक साल के जैसे बीत रहा था। अब तक पैसेंजर्स अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे इस उम्मीद से कि कोई तो आएगा और हमें बचाएगा, लेकिन इस आग ने जीने की आखिरी उम्मीद को भी बुझा दिया। पैसेंजर्स इस हालत में नहीं थे कि वो खुद चल के प्लेन के मलबे से बाहर आ सके। उनके पास अब मौत का इंतजार करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। करीब 6 मिनट बाद फायर फाइटर की गाड़ी पहुंच तो गई, लेकिन करीब 3 मिनट पानी डालने के बाद पानी का पाइप ही खराब हो गया। इसके बाद एक मैकेनिक को एयरपोर्ट से बुलाया गया। जब तक ये रिपेयर हुआ तब तक सभी लोगों की जान शायद जा चुकी थी। रिपेयरिंग के बाद टैंक में पानी भी खत्म हो गया। इसके बाद फायर फाइटर को फिर से एयरपोर्ट में पानी भरने के लिए भेजा गया। अब तक करीब 1 घंटा गुजर चुका था। सैकड़ों लोगों की भीड़ घटना स्थल पर पहुंच गई। इतने लोगों की वजह से आने जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो गया और रेस्क्यू टीम को और भी अधिक समय लगने लगा। वहां मौजूद आई विटनेस का कहना था कि सैकड़ों लोग फायर फाइटर की गाड़ी में, उसके छत पर, इवन एम्बुलेंस के छत पर भी चढ़ के लोग देख रहे थे ताकि अच्छा व्यू मिल सके। पता नहीं उन्हें कौन सा सुख मिल रहा था, जिंदा लाचार जलते हुए लोगों को देखकर। ये भीड़ इतनी बढ़ गई कि इसे कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री वालों को भी बुलाया गया।
तब जाके इसे कंट्रोल किया जा सका। घंटों की मेहनत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, जीने की उम्मीद लिए उन पैसेंजर्स की जानों को नहीं बचाया जा सका। प्लेन में आग लगने से पहले मलबे से 7 लोगों को जिंदा निकाला गया, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान ही उनमें से 6 लोगों की जान चली गई, सिवाय एक पैसेंजर के। आई विटनेस की माने खुद अपने पैरों से चल के मलबे से बाहर आ रहा था, उसे बस मामूली सी चोट लगी थी। हर बार की तरह इस बार भी अधजले लाशों का डीएनए टेस्ट करके उनके घर वालों को अंतिम संस्कार करने के लिए सौंप दिया गया। अब भी लोगों के मन में सवाल घूम रहा था, सवाल कि ऐसा क्यों हुआ, सवाल ये कि गलती किसकी थी, पायलट कॉकपिट में क्या कर रहा है, कौन कौन से कंट्रोल को पायलट ने यूज किया, छोटे से छोटे बारीक बदलाव को भी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर रिकॉर्ड करके सेव कर लेता है। वहीं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कॉकपिट में हो रहे सभी साउंड को, चाहे वो पायलट की बातचीत हो या फिर कॉकपिट में बजता हुआ कोई अलार्म हो, ये भी सारे वॉइस को रिकॉर्ड करके सेव कर लेता है। इसीलिए तो ब्लैक बॉक्स के छानबीन करने के बाद 90% केस सॉल्व हो जाता है। अलायंस एयर के ब्लैक बॉक्स को छानबीन करने के बाद जो कहानी सामने आई, आइए उसे भी समझ लेते हैं घटना के कुछ दिनों बाद। दोस्तों, इस केस की शुरुआत करते हैं जब प्लेन अपने एल्टीट्यूड को डाउन करना शुरू किया। 7500 फीट के एल्टीट्यूड पर ही प्लेन को रनवे 25 पर लैंडिंग कराने का परमिशन मिल गया। यहां पर प्लेन के इंजन को आइडल थ्रस्ट पर कर दिया गया, वहीं फ्लैप्स को 40 पर सेट कर दिया गया। दरअसल यहां पर सिचुएशन ये था कि प्लेन एयरपोर्ट के काफी नजदीक आ गया, जबकि इसका एल्टीट्यूड अब भी काफी अधिक था। प्लेन का इंजन आइडल थ्रस्ट में होने के कारण प्लेन को थ्रस्ट नहीं मिल रहा था, वहीं फ्लैप्स को 40 पर सेट कर देने के कारण प्लेन का स्पीड और भी स्लो होने लगा। यहां पर उन्हें लगा होगा कि ऐसा करने से प्लेन का एल्टीट्यूड कम हो जाएगा और ये अपने ग्लाइड स्लोप पर पहुंच जाएगा। पर ये ग्लाइड स्लोप आखिर होता क्या है दोस्तों? 2.8 से 3.5 डिग्री के बीच के एंगल को ग्लाइड स्लोप कहा जाता है। प्लेन को इसी के बीच से होकर लैंड कराया जाता है। अगर कोई प्लेन अपने ग्लाइड स्लोप से ऊपर चला जाए तो ऐसे में वो रनवे के स्टार्टिंग में लैंड नहीं कर पाएगा और हो सकता है प्लेन को रोकते रोकते ब्रेक लगाते लगाते ये रनवे से बाहर चला जाए। ऐसे कंडीशन में प्लेन क्रैश भी हो सकता है, जैसा कि मैंगलोर में एयर इंडिया के साथ हुआ था, नेपाल में यूएस बांग्ला के साथ हुआ था। इसलिए ग्लाइड स्लोप को मेंटेन रखना बहुत जरूरी हो जाता है। बात करें अलायंस एयर की तो ये अपने ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर था। 7500 फीट के एल्टीट्यूड से ही पायलट लगातार ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से प्लेन के एल्टीट्यूड को कम किया जाए। दोस्तों, ऐसे कंडीशन में पायलट्स गो अराउंड यानी कि एयरपोर्ट का एक चक्कर लगा के वापस से अपने एल्टीट्यूड को मेंटेन करते हुए प्लेन को ग्लाइड स्लोप में लाना होता है, लेकिन अलायंस एयर के पायलट ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 7500 फीट के एल्टीट्यूड से ही बस यही कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह से प्लेन के एल्टीट्यूड को डाउन किया जाए, न कि गो अराउंड किया जाए। और ऐसा करने के लिए उन्होंने प्लेन के इंजन को आइडल कर दिया यानी कि न्यूट्रल कर दिया, यानी कि प्लेन को अब पावर नहीं मिल रहा था। इसके अलावा फ्लैप्स को भी फुल कर दिया गया। अब प्लेन का स्पीड धीरे धीरे स्लो होने लगा, वहीं इसका एल्टीट्यूड भी डाउन हो रहा था। फाइनली 1280 फीट में आने के बाद पायलट को ये एहसास हुआ कि अब वो एयरपोर्ट के काफी नजदीक आ चुका है। प्लेन एयरपोर्ट के लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था, ऐसे में प्लेन रनवे पर लैंड नहीं कर सकता था। यहाँ पर प्लेन का एल्टीट्यूड 600 से 700 फीट के अराउंड होना चाहिए था। देखा जाए तो अब पायलट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, वो लैंडिंग प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे थे। यहाँ पर पायलट ने एक और गलती कर दिया। उन्होंने ATC से परमिशन मांगा कि हम 360 डिग्री टर्न लेना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने प्लेन को लेफ्ट की ओर अचानक से मोड़ दिया। दोस्तों, यहाँ पर हमें सिचुएशन को समझना पड़ेगा। प्लेन का इंजन लगभग 7000 फीट के एल्टीट्यूड से ही आइडल कंडीशन यानी कि न्यूट्रल में था। प्लेन को पावर नहीं मिल रहा था। इस प्लेन को 1300 फीट के एल्टीट्यूड पर लाया गया और फिर तेजी से लेफ्ट की ओर मोड़ने के दौरान भी प्लेन का इंजन आइडल कंडीशन में ही था, यानी कि प्लेन का स्पीड बहुत धीमा होने लगा। ऊपर से फुल फ्लैप्स होने के कारण ये फ्लैप्स एक ब्रेकिंग सिस्टम का काम करने लगा था, जो प्लेन के स्पीड को और भी धीमा करने लगा। पायलट को भी इस बात का एहसास था, इसीलिए उन्होंने प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ने के तुरंत बाद थ्रस्ट लीवर को बढ़ा के फ्लैप्स को 14 पर सेट कर दिया। ये डिसीजन बिल्कुल ही सही था,
लेकिन इसे गलत समय पर अप्लाई किया गया। यहाँ पर पहले प्लेन के स्पीड को बढ़ाना चाहिए था, इसके बाद फ्लैप को 15 में सेट करके प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ना चाहिए था, ताकि ये स्लो स्पीड के कारण स्टॉल कंडीशन में ना चला जाए। एलायंस एयर के पायलट ने ठीक इसका उल्टा किया और इसीलिए स्लो स्पीड के कारण ये प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला गया। दोस्तों यहाँ पर अगर ये सेसना जैसा छोटा प्लेन होता तो इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन बोइंग 737 जैसा बड़ा प्लेन जिसका इंजन भी न्यूट्रल कंडीशन में था, स्पीड भी काफी स्लो था और अचानक से इसे लेफ्ट की ओर मोड़ दिया जाए तो स्पीड और भी कम हो जाएगा। ऊपर से इतने बड़े प्लेन को अचानक से मोड़ा नहीं जा सकता, इसे मोड़ने के लिए काफी बड़े एरिया की जरूरत पड़ती है। अगर फिर भी ऐसा किया जाता है तो प्लेन आसानी से स्टॉल कंडीशन में जा सकता है। ऐसे में प्लेन मुड़ने के बजाय किसी पत्थर की तरह नीचे की ओर गिरने लगेगा। ठीक ऐसा ही एलायंस एयर के साथ हुआ था। ऐसे केस में प्लेन की स्पीड को बढ़ाकर स्टॉल कंडीशन से निकला जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्लेन का एल्टीट्यूड भी काफी अधिक होना चाहिए। अगर एल्टीट्यूड ही कम रहा तो प्लेन को कंट्रोल करते करते ये ग्राउंड से टकरा सकता है। एलायंस एयर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया था। यहाँ पर एक के बाद एक कई सारी गलतियाँ की गई। पायलट ने लैंडिंग प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। अगर वो अपने ग्लाइड स्लोप से भटक चुके थे तो उन्हें गो अराउंड करना चाहिए था, ना कि जबरदस्ती प्लेन के एल्टीट्यूड को डाउन करें। 1280 फीट के एल्टीट्यूड पर पायलट को पहले स्पीड को बढ़ाना चाहिए था, इसके बाद धीरे धीरे एयरपोर्ट का एक चक्कर लगा के वापस ग्लाइड स्लोप पर आना चाहिए था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्लेन रनवे पर टच डाउन करने के बाद भी टेक ऑफ कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एलायंस एयर अपने ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर था, यानी कि अगर ये प्लेन रनवे पर टच डाउन करता तो हो सकता था कि ये रनवे के बीचों बीच टच डाउन करता और यहाँ पर टच डाउन करके फिर से प्लेन को टेक ऑफ कराया जा सकता था, बशर्ते कि प्लेन का स्पीड कम ना हो। अगर पायलट को ये एहसास हो चुका था कि हम लैंडिंग नहीं कर पाएंगे तो उन्हें प्लेन की स्पीड को बढ़ाना चाहिए था। चाहे प्लेन की स्पीड को बढ़ाते बढ़ाते ये रनवे पर टचडाउन भी क्यों ना कर जाए। अगर पायलट 1200 फीट के एल्टीट्यूड में ही ये सोच लेता कि हमें गो अराउंड करना ही है तो वो गो अराउंड कर सकता था, चाहे प्लेन टचडाउन ही क्यों ना कर जाए।